बीते चार महीनों में नीतीश ने कई बार अपनी नाराजगी का संदेश दिया। विधानसभा सत्र के दौरान उनकी स्पीकर से कहा सुनी हुई। वो केंद्र सरकार के आयोजनों से दूरी बनाए हुए थे। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण और निवर्तमान राष्ट्रपति के विदाई समारोह से भी वो नदारद रहे। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। नाराजगी इतनी बढ़ेगी कि गठबंधन टूट जाएगा, ऐसा भाजपा ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसके कई मौके दिए सोचने के, सोच को लाने के कई मौके नीतीश कुमार ने दिए कि वो किस तरीके से धीरे धीरे NDA से, BJP से दूर हो रहे हैं, साथ नहीं रहना चाहते हैं। कुछ बिंदुओं में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण जो समझ में आता है वो ये कि सरकार में फ्री हैंड नहीं मिलने से वो नाराज थे। नीतीश कुमार पर दबाव था, कम लोग थे साथ में, कम विधायक थे, इसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। वो बिहार के मुख्यमंत्री बेशक थे, लेकिन BJP की तरफ से लगातार मांग उठती रही कि उनका चेहरा होना चाहिए, कम से कम BJP के बिहार नेतृत्व की तरफ से। तो भाजपा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी का अंदाजा था, मगर पाला बदलने की भनक तक उसे नहीं मिल पाई थी। हमेशा ये माना गया कि मजबूरी के नाम पर ये पूरी सियासत चल रही है, तो JDU अपनी इस मजबूरी के लिए हमेशा NDA के साथ रहेगी। वो RJD के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि दूध का जला छांछ फूंक फूंक कर पीता है। और पहले RJD से परेशान होकर JDU के नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। वो RJD की मदद से मुख्यमंत्री बन चुके हैं पहले भी, लेकिन इतने परेशान हो गए थे कि इस्तीफा देना पड़ा था। JDU से लगातार मिल रहे संकेतों को BJP भी भापने में बुरी तरह चूक गई। खासतौर से RCP सिंह मामले में पैदा हुई विश्वास के संकट ने दोनों दलों के बीच में खाई को और चौड़ा कर दिया। नीतीश की भाजपा से नाराजगी नई नहीं थी। इसका सिलसिला विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के भाजपा के पक्ष और JDU के विरोध में ताल ठोकने से शुरू हो गया था। भाजपा के मुकाबले JDU के आधी सीटों पर सिमटने, सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिलने, विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लगातार सरकार पर हमले नीतीश की नाराजगी को लगातार बढ़ाते चले गए, एक बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण, ताबूत में अंतिम कील साबित हुए RCP सिंह। और RCP सिंह का तो मामला जब से आया था तभी से लग रहा था कि ये BJP और JDU के बीच के संबंधों में बड़ी खटास पैदा कर सकता है। नाराजगी के बीच जब RCP केंद्र में मंत्री बने तो नीतीश का सब्र टूट गया। JDU नेताओं का कहना है नीतीश की सहमति के बिना RCP मंत्री बने। बाद में नीतीश ने उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया तो उन्होंने JDU विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। नीतीश को लगा कि इसके पीछे BJP है। JDU ने कई बार भाजपा पर JDU में मतभेद पैदा करने के आरोप लगाए थे। भाजपा हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है, भाजपा JDU को खत्म कर देगी। और कहा तो ये भी गया, एक रिपोर्ट हमने इस पर आपको दिखाई है, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली, इसकी पुष्टि करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हुई तो नीतीश कुमार ने बकायदा RCP सिंह और BJP के नेताओं से या JDU के नेताओं से उनकी जो बातचीत हो रही थी वो उन्हें सुनाई है और बताया है कि किस तरह से JDU में फूट के प्रयास किए जा रहे हैं। RCP सिंह एकनाथ शिंदे बन सकते थे बिहार में और उद्धव ठाकरे बनने से बच गए नीतीश कुमार, क्योंकि वो इस खतरे को भाप गए। तो कुल मिलाकर अगर नीतीश के नज़रिए से इस पूरी कहानी को समझा जाए तो उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र को रिपीट किया जाना था बिहार में और यहाँ पर उद्धव ठाकरे जैसी स्थिति उनकी ऐसी। उद्धव ठाकरे जैसी स्थिति मतलब सरकार भी जाती, पार्टी भी हाथ से जाती और कोई और चेहरा JDU के अन्य विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बन जाता। कम से कम ये डर नीतीश कुमार का तो था ही, इसकी सत्यता पर कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार के मन में डर था कि JDU को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा एक और कारण, जुदाई के और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनको सिलसिलेवार तरीके से तीसरे बिंदु में समझ लेते हैं। जुदाई में एक अहम कारण JDU के वोट बैंक में भाजपा की एंट्री भी है। कभी भाजपा का आधार राज्य के अगड़ों तक ही सीमित था, हालांकि बाद में पार्टी ने दलितों और गैर यादव पिछड़ों में भी अपनी पैठ बना ली। महादलित और गैर यादव पिछड़ों के साथ पसमांदा मुसलमान JDU के कोर वोटर रहे हैं। महादलित, गैर यादव पिछड़ा और पसमांदा मुस्लिम बिहार में राजनीति करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा से गठबंधन के बाद भी पसमांदा वोट JDU को मिलता रहा, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य पर मोदी के आने के बाद ये वोट बैंक RJD में चला गया।
वहीं जेडीयू के दूसरे वोट बैंक में भाजपा ने घुसपैठ कर ली। इससे नीतीश परेशान थे, उनकी जो सीटें लगातार कम हो रही हैं, या प्रशांत किशोर का कहना कि वो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं ये इनके लिए बड़ा मुसीबत का सबब साबित होना है। और जैसे पिछले विधानसभा में इनकी सीटें कम हुई हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में तो और सीटें कम हो जाएंगी। और आपको ये जातिगत समीकरण अब समझ में आ रहा होगा कि उनका जो वोटर है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि नीतीश कुमार है कौन, एनडीए का हिस्सा है, आरजेडी के साथ है, लालू प्रसाद यादव के दोस्त हैं, मोदी जी के साथ में है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में वोटर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे अगर चुनना ही है तो वो बीजेपी और आरजेडी में से किसी को चुनता है, जेडीयू एक तरफ हो जाती। यही वजह है कि जेडीयू का जनाधार धीरे धीरे खसकता चला गया और बहुत सिमटते जा रहे हैं नीतीश कुमार। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि टकराव पर उदासीन रहा है शीर्ष नेतृत्व। बिहार में अरसे से जारी टकराव के बीच बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उदासीन रहा। बिहार की जितने भी विरोध चलते थे, जितनी भी आलोचनाएं चलती थी, आपस में जो भी रस्साकशी होती थी, उसमें शीर्ष नेतृत्व नहीं भूलता था। सरकार में रहते भाजपा के नेता लगातार नीतीश पर निशाना साधते रहे, मगर पार्टी नेतृत्व इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। तो क्या पार्टी नेतृत्व ने या शीर्ष नेतृत्व ने खुली छूट दे रखी थी? पिछले महीने पटना में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय मोर्चाओं की बैठक के बाद जरूर केंद्रीय नेतृत्व ने हालात संभालने की कोशिश की थी, या हो सकता है कि उनको थोड़ा अंदाजा हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संसद पर भी पड़ सकता है बदली सियासत का असर, इसको भी समझ लेते। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश हैं जनता दल यूनाइटेड के सांसद, ये भी समझ लीजिए। अब बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरणों का असर संसद पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। राज्यसभा को नए सभापति जगदीप धनखड़ के साथ नए उपसभापति का चेहरा भी देखना पड़ सकता है। उच्च सदन के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जदयू के राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा ने हरिवंश को 14 सितंबर 2020 को दूसरी बार उपसभापति चुना था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार ने जिस कड़े तेवर के साथ बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है, मुमकिन है कि वो हरिवंश को उपसभापति पद से इस्तीफा देने को कहे। दूसरी संभावना है कि उपसभापति पद के मामले में वो गेंद अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पाले में डाल दें। जानकारों के मुताबिक इस हालत में भाजपा को हमेशा ये संशय बना रहेगा कि नाजुक वक्त में हरिवंश केंद्र सरकार के साथ खड़े रहेंगे या नहीं। उधर नीतीश कुमार भी ये भांपना चाहेंगे कि हरिवंश का अपना रुख कैसा रहता है, कहीं वो भी आरसीपी सिंह की तरह भाजपा के साथ साठगांठ कर बड़े राजनीतिक फैसले की जमीन या बड़े राजनीतिक फसल की जमीन को तैयार न करें। जानकारों के मुताबिक अगर भाजपा हरिवंश को हटाना चाहे तो उसके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हरिवंश खुद इस्तीफा दे दें, या फिर कानून या संसदीय नियमों के गंभीर उल्लंघन के आरोप में उच्च सदन दो तिहाई वोटों से उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी करे। हालांकि हरिवंश जैसी साफ छवि वाले उपसभापति को हटाने के लिए बहुमत जुटा पाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। दूसरा, ये भाजपा की अभी फिलहाल बहुत बड़ी चिंता नहीं दिखाई पड़ती है। भाजपा की बड़ी चिंता ये है कि वो 2024 के चुनाव में अब उन समीकरणों को कैसे साधेगी जो जनता दल यूनाइटेड के साथ रहते हुए वो साध रही थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि। भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ा गया, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात कही गई, भ्रष्टाचार के आरोप आरजेडी पर लगे, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर लगे, सीबीआई की कार्यवाही हुई। अब सत्ता में आ गए हैं तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। गृह मंत्रालय पर हालांकि रस्साकशी बनी रही है, और अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शायद उन्हें गृह मंत्रालय न दिया जाए, लेकिन गृह मंत्रालय साथ में रखने का एक बड़ा मकसद यही था कि वो सीबीआई पुलिस की कार्यवाहियों से बहुत परेशान थे और अपनी छवि या अपने पर लगे दाग को वो मिटाना चाहते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए अब बड़ा मुश्किल होगा कि आने वाले समय में वो किस टेक के साथ जाएंगे। बहुत ही बयानबाजियाँ हुई हैं आपस में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में, एक दूसरे के खिलाफ बहुत सी बातें पहले बोली गई हैं, उसको लेकर शर्मिंदा भी कई बार महसूस करेंगे आपस में। लेकिन ये राजनीति है, इसमें कोई साथ आता है कोई दूर जाता है, कहना बड़ा मुश्किल है कि आने वाले समय में कौन साथ आ जाए। लेकिन फिलहाल एनडीए बीजेपी बिहार में अकेले दिखाई पड़ रही। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।